हेलो एवरीवन, दिस इज बी एस पुंडीर, योर फिजिक्स फैकल्टी, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दून ट्यूटोरियल। तो बच्चों, हम लोग फिर से हाजिर हैं आपके सामने आपका एक और डाउट लेकर। तो ये आपका डाउट आपके सामने ये रहा। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको पता चल ही रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर बेस्ड, मतलब आपका है रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड आपका ये। इसमें इसने क्या दिया हुआ है, आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है जी। इसने आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है, इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है, एंगल ए दिया है। एक साइड एक, अच्छा, किसी भी प्रिज्म में आपके पास दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस होती हैं, एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ये है, एक ये है। तो क्या रहा है, आपने इसमें से एक सर्फेस को पॉलिश कर दिया, मतलब आपने इस रिफ्रैक्टिंग सर्फेस को रिफ्लेक्टिंग बना दिया। क्या बना दिया, रिफ्लेक्टिंग, इज दैट क्लियर। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि जब लाइट रे इस वाली सर्फेस पर पड़ती है और जब वो इस वाली सर्फेस पर आती है तो लाइट उसी पाथ को ट्रेस करके वापस जा रही है। तो लाइट अगर उसी पाथ को ट्रेस करके वापस जा रही है तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है बच्चों वो नॉर्मली पड़ रही है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइट पड़ रही है, तभी तो लाइट उसी पाथ को ट्रेस करके वापस आएगी। तो अगर मैं कहता हूँ ये मेरा एंगल ऑफ, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल है। तो जो ये आपके पास में इंसिडेंट रे है बच्चों, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसे क्या है, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इज दैट क्लियर। तो ये इसके परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है ये लाइट रे, ठीक है भाई। तो अगर लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉलो हो रही है तो लाइट ऐसी पाथ को ट्रेस करके वापस आ जाएगी ऐसे। अब इस केस में जो ये नॉर्मल है, यहाँ पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 2a दिया हुआ है, और a क्या चीज़ है, एंगल ऑफ प्रिज्म है बच्चों आपका, इज दैट क्लियर। और अगर आपको पता है किसी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के बच्चों, किसी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर पड़ती है तो उस केस में जो नॉर्मल, इस सर्फेस का जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे होता है, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो मतलब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 होगा। पता है ना, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर लाइट रे परपेंडिकुलर पड़ती है, नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही 0 होते हैं। तो इस केस में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0 होगा। और आपको अच्छी तरह पता है इस वाले एंगल को हम R1 बोलते हैं, और यहाँ पर जो नॉर्मल है और यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है उनके बीच के एंगल को R2 बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू 0 डिग्री होगी बच्चों। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो A होता है ना बच्चों, वो कितना होता है, ये R1 और ये वाला R2। यहाँ पे R2 किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल जो भी है और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, और R2 है ना, और R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 0 है। तो मैं सिंपली क्या उसको A को क्या लिखूंगा, A बराबर R1 प्लस 0, मतलब आपकी A की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R1 के बराबर आ जाएगी इस केस में, ठीक है भाई। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। और सेकंड थिंग, आपको ये भी पता है अगर मैं इस रिफ्रैक्टिंग, इस क्या बोलते हैं, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू सपोज कर लेता हूं, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ आपको क्या बोलता है भाई, पढ़ा होगा आप लोगों ने स्नेल्स लॉ बच्चों। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा ये कितना होगा, sin 2a, ये होगा sin 2a अपॉन sin R1, sin R1। ये सिंपल सा स्नेल लॉ मैंने आप यहाँ पे अप्लाई किया है, इज दैट क्लियर। अच्छा, R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर देखो R1 की वैल्यू हम a फाइंड कर चुके हैं, तो R1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन a, ऊपर साइन 2a है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे साइन a से साइन a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 2 cos a। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया इस प्रिज्म का, वो कितना आएगा, 2 cos a है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग सही ऑप्शन पिक कर लीजिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी।